खैर है, गरीब आदमी तो कहता है बत्ती की जहाँ बचत हो ज़्यादा बेहतर है। अब बिल हम कहाँ से देंगे, कहाँ से बिल देंगे हम, तो गरीब आदमी यही चला सकता है। जिनकी रेड़ियाँ हैं, जिनके पास छोरियाँ, उनके पास इन उतने इतने पैसों में एक पंखा और दो बल्ब चलाने के लिए जब लाइट जाती है, जिस और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो नहीं सकती, अगर वो एग्जैक्टली यूपी की तरफ जाए तो उसका खर्चा 50-60 हज़ार 70-80 हज़ार रुपये है। तो क्या करते हैं कि एक छोटी सी बैटरी लगा लेते हैं, एक प्लेट सोलर लगा लेते हैं और एक फैन या दो लाइट्स लगा लेते हैं। कोई भी कारखाने चाइना में या फैक्ट्रीज जो पैनल बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ छोटा कट आ गया, कोई पैनल के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान थोड़ा बहुत भी अगर इशू बनता है ना, वो जब लेज़र टेस्टिंग करते हैं उस दौरान उसे साइड पे कर देते हैं, उसे बी पेयर माल का वो नाम दे देते हैं। होता वो ओरिजिनल ही है, उसकी एफिशिएंसी भी खास फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो छोटी मोटी उसमें काट या कोई इस तरह की बुनियाद पर वो साइड पे करते हैं और फिर उसे वो अलग बेच देते हैं। आप सिंपल ज़ुबान में कहें तो कबाड़ की फॉर्म में बेच देते हैं और उसकी प्राइस कम होती है पाकिस्तान में या जो दूसरे तरक्की पजीर ममालिक जहाँ सोलर की इस वक्त मांग बहुत ज़्यादा है, लोकल कारखाने नहीं हैं, वो उस ममालिक के ताजर ट्रेडर वो उस पैनल्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर इकट्ठा करने के बाद कंटेनर अपने भरते हैं, भर कर वो लो प्राइस होता है, यहाँ पर वो फिर आप ओपन मार्केट में आ जाता है। और क्योंकि टैक्स नहीं है इस पर और हुकूमत की तरफ से कोई इतना खास सोलर पर चेक एंड बैलेंस नहीं है इंपोर्ट्स पर, हमारी बंदरगाहों पर होना चाहिए कि इसकी क्वालिटीज़ बेहतर इंपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ पर दड़ा मड़ा है। अब ये जो सोलर पैनल पड़े हैं अच्छे सोलर पैनल हैं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो ए प्लस या ए ग्रेड में होती है, जो नेपरा की तरफ से अप्रूवल है। हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, जो ज़रूरत है वहाँ पे छोटी मोटी टॉलरेंस कोई मायने नहीं रखती, वहाँ पे मायने रखती है प्राइस। अगर एक चीज़ की प्राइस 10,000 रुपये है ब्रांडेड की और नॉन ब्रांडेड की प्राइस वो 2,000 या 2,500 रुपये है, और ब्रांडेड ने 10 साल बाद जाके 90% डिप्रेशिएट होना या 90% रह जाना, 10% डिप्रेशिएट होना है, और नॉन ब्रांडेड ने अगर 80% होना है और बाकी रह जाना है, तो आप प्राइस को देखेंगे आज। तो इसके पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट आया वो ठीक आया, ब्रांड प्रोडक्शन और जो एक्सेस की आप बात कर रहे हैं वो भी किसी टाइम आया ज़रूर, आया ज़रूर, लेकिन अब वो भी कंट्रोल्ड हो गया है। चाइना में एक्सेस स्टॉक खत्म हो गया है, अब जो आ रहा है प्रोडक्शन में आ रहा है, अब चाइना से आ रहा ब्रांड अननोन कंपनी प्रोडक्शंस, जिनके मतलब जो जिनकी फैक्ट्री तो लॉन्जी की फैक्ट्री के साथ है लेकिन उसका ब्रांड चाइनीज है, पाकिस्तानी नहीं है। अब इन पैनल्स की इन साहिबान किसी को कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं है, ये सिर्फ क्लाइंट को मुतमाइन करने के लिए बेचने के लिए मटेरियल, क्लाइंट को क्या पता है। मैं आपको कहता हूँ ये मटेरियल जिंको का है, आप अगर पढ़े लिखे पीछे देखेंगे मोनोग्राम वायर के ऊपर सारा लिखा हुआ है, आप मुतमाइन हो जाएंगे वाकई ये जिंको का है। इसके अंदर जिंको की कौन सी क्वालिटी है, ए बी सी डी कौन सी क्वालिटी आपको नहीं मालूम, ये तो मुझे पता है, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि ये किस क्वालिटी में मैंने इंपोर्ट किया है। अब जिस क्वालिटी में इंपोर्ट किया है वही इसने एफिशिएंसी दिखानी है, जितना गुड़ है वो पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ उतना ही मीठा। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही मटेरियल इतना लो क्वालिटी में बना है, फिर वो इसका ऊपर जो शीशा है और दूसरी चीज़ें फ्रेम है ये चीज़ें भी वो कम क्वालिटी लो ग्रेड लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब वो मार्केट में आता है देखने में तो ये ऐसे लग रहा है बेहतरीन है। अब इसमें जो ए ग्रेड का से निकाला हुआ है वो मटेरियल भी ऐसा ही है, लेकिन जब लगेगा चलेगा ये महीनों में कम एफिशिएंसी करता जाएगा, जो ए ग्रेड है वो सालों में कम करता है, ये महीनों में करता है, और इसका कोई पता नहीं होता है कि एक साल चलने के बाद फ्लॉप हो जाए। ये भी इंतहा के महंगे, ये कुछ दस रहे हैं, अब पिछले अपना 2-3 महीने पहले जहाँ 7,000 का था, अब ये इतने का होया हुआ, अब गरीब आदमी क्या करेगी। दूसरी जगह गए हमने देखा, हमने कही आपने क्या लगाया, उन्होंने कही ये सोलर एक प्लेट हमने लगाई है 200 वाट की, इसमें हमें ये कूलर भी चल रहा, हमारा एक पखा भी चलता था, रोशनी भी इसकी आ जाती है, तो उसे देखे हमारे दिल में भी लालिया चले, हम भी ये करके देख लें शायद हमारा बिल कोई थोड़ा कम हो जाए बिल, तो ये हम ले कर जा रहे हैं अपने लगाएँगे अपने घरों में, चले बच्चे हमारे इसमें पढ़ भी लेंगे, कोई ताज़ी हवा भी हम इसके ले लेंगे, आगे से गर्मी आ रही जा रही है, इसका लोड भी ज़्यादा पड़ना है, तो जितनी एक रेंज थी ये तो एक ही प्लेट है, अगर ज़्यादा पैसे हो तो बंदा 4 प्लेट भी लगा लेता, कोई अपना बैटरी भी कोई ये सिस्टम भी कर लेता, इतने पैसे तो आए नहीं है, 12 साल की वारंटी उन्होंने लिखी दी हुई है, तो ये अगर सुकून के साथ हमारे को 2-3 साल गुजर जाएंगे।
ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में स्मगल करके लाई गई है, इससे हटके के पाकिस्तान में उसके ऑथराइज डीलर्स भी मौजूद हैं, कमर्शियल एजेंट्स भी मौजूद हैं, ऐसी प्रोडक्ट की कोई पाकिस्तान के लॉ के तहत कोई वारंटी या गारंटी नहीं है। इवन अगर कोई डीलर या सेलर आपको इरिस्पेक्टिव कि वो रिटेलर है या होलसेलर है, आपको वो बेच भी देता है और कह भी देता है कि मेरे इस बात की गारंटी है कि ये ठीक होगा, तो वो कल को उसकी वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते। इस चीज़ को मैं समझता हूँ कतई मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा कि कल को इन प्लेट्स की परफॉर्मेंस या मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज आते हैं तो एंड यूज़र जो है उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जो आपका इंपोर्टर है और जो मार्केट में होल सेलर है वो तो अपने पैसे बना के ले जाएगा, ही विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस सूरत में सबसे पहले तो नेप्रा को चाहिए कि कस्टम्स अथॉरिटी के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाएँ कि सोलर प्लेट्स की जो इलीगल एंट्री है पाकिस्तान में उसको बंद किया जाए। नंबर टू इज़ कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पाकिस्तान में सोलर प्लेट्स फ्राहम कर रहे हैं, आइदर डायरेक्टली या यहाँ उनके कमर्शियल एजेंट्स हैं, उसकी जो वारंटी रिलेटेड जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी यकीनी बनाए, और इस पर पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ सारिफ के लिए एक आगही मुहिम होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस हो कि जी आप जब भी कोई बाइंग करें सोलर प्लेट्स की, पहले इस बात को यकीनी बनाएँ कि जो शख्स आपको ये बेच रहा है वो बाइख्तियार भी है, और वो कंपनी जिस कंपनी की कि वो मैन्युफैक्चर्ड है वो प्लेट, उस कंपनी ने इसको बकायदा इख्तियार दी है ताकि कल को अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग या परफॉर्मेंस इश्यूज अराइज होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो इस बात का कि उसे या रिप्लेस करे या उसे रिपेयर करके दे। काम इसके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, रोज़ाना बढ़ रहे, और हुकूमत से यह मुतालबा है कि पोर्ट में सख्ती नहीं करे, इसके पीछे टैक्स पे नहीं लगा रहे, और डिमरिश के बारे में कभी कभी माल बहुत ज़्यादा 2-3 महीने कड़ा करता है, तो ये मुतालबा है कि कड़ा नहीं करो, क्योंकि फिर जब उधर कड़ा हो जाए टैक्स आ जाए फिर महंगा हो जाता है।